वेलकम टू श्री मई फ्रेंड्स। आज हम लोग ये लेटेस्ट डिज़ाइन ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। मैंने यहाँ पे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट ले लिया है जिसमें मैंने अस्तर लगा लिया है, और ये है कैनवास पेपर के साथ मैंने अस्तर का कपड़ा पेस्ट कर लिया है। जितना नीचे तक डिज़ाइन आएगा उससे 1 इंच ज़्यादा कपड़ा लिया है, और अब डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने पहला डिज़ाइन बनाएंगे 1 3 इंच का, ये 2.5 इंच का और ये 2 इंच का। यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉप शेप डिज़ाइन। इसको हाफ किया है क्योंकि ये मिडिल पार्ट है, दूसरे पार्ट में हाफ डिज़ाइन जाएंगे। अब इसको डार्क कर लेंगे ताकि दूसरे तरफ भी हम लोग इसका छाप लेंगे। हाथ से थोड़ा टैप कर देंगे तो दूसरी तरफ भी ये डिज़ाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। साइड को कैनवास पेपर में चिपका हुआ कपड़े को साइड से स्टिच कर लेंगे। कैनवास पेपर पेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। कैनवास पेपर नहीं तो आप लोग बुकरम भी यूज़ कर सकते हो। अब उसके ऊपर डिज़ाइनर वाले पार्ट को पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हिल ना जाए। आप लोग चाहे तो टाका भी लगा सकते हो, और इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम लोग स्टिचिंग करते हुए जाएंगे। हाफ इंच छोड़ते हुए कपड़े को और डिज़ाइन को एकदम ड्रॉ के अकॉर्डिंग ही स्टिच करेंगे, ड्रॉ के ऊपर ही स्टिचिंग लगाएंगे। फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। डिज़ाइन बहुत इजी है और लुक्स बहुत ही सुंदर है। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको काट लेंगे, और डिज़ाइन वाले पार्ट को भी जहाँ स्टिच लगाया उससे 1/2 इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि पलटने में प्रॉब्लम ना हो। अब इसी नुकीली चीज से इसको बाहर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेंगे, क्योंकि बाहर निकल पॉइंट अगर अच्छी तरह से नहीं निकलेगा तो डिज़ाइन उभर कर नहीं आएगा।
इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके बिठा लिया है, अब इसमें मोतियाँ अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने मोटा धागा लिया है, जिसके साथ मोती मोती अटैच करने से, और मोती को भी डबल डबल स्टिच लगाएंगे, घुमाते हुए फिर से राउंड लगाएंगे। आप लोग चाहे तो ये डिज़ाइन को बैक साइड में भी बना सकते हो और कुर्ती में भी बना सकते हो। इसी तरह सारी मोतियों को लगा लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और साइड जितना कपड़ा है उसको हेमिंग कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।